गौर प्रेमानंदे। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ, जरा सा अवसर मिले बस शुरू हो जाती है। अब दम साध कर बैठ जाओ। हमारे प्रभु जी ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मूलक कथाएं बतला दी गुरुपाद पद्म के विषय में। विषय ही कुछ ऐसा चल पड़ा है। आज व्यास पूजा है। साधारण रूप में जिस दिन वेद व्यास जी का आविर्भाव हुआ उस दिन व्यास पूजा मनाने का नियम है, किंतु हम गौड़ीय वैष्णव लोग अपने गुरु महाराज जी के आविर्भाव तिथि के दिन व्यास पूजा मनाते हैं। व्यास का अर्थ है विस्तार यति इति व्यास, जो विस्तार करे। किस चीज का विस्तार करे? वेदों का विस्तार करे, महाप्रभु की वाणी का विस्तार करे, वो व्यास स्वरूप है। तो इसलिए गुरुपाद पद्म व्यास स्वरूप है, इसलिए गुरु जी के आविर्भाव तिथि के दिन व्यास पूजा करने का विधान है। उपदेश दो प्रकार के होते हैं, विचार भी दो प्रकार के होते हैं। विचार यदि साधारण रूप में देखो दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो किसी से भी पूछ लूंगा, अब दिमाग पर जोर देने वाली बात है। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भावना मूलक और एक होता है सिद्धांत मूलक। बहुत सारी बातों को हम केवल भावना से स्वीकार करते हैं। कृष्ण भगवान है, यहां पर कितने सारे लोग इसको प्रमाणित कर सकते हैं? कुछ लोग प्रमाणित कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ कृष्ण भगवान है, कैसे भगवान है, हमारी भावना थे, हम तो मानते हैं जी भगवान है, ऐसा ही होगा ना। तो विचार दो प्रकार के, एक भावना मूलक एक सिद्धांत मूलक। हमारे गुरु महाराज जी ने अपने गुरु जी का, मतलब हमारे परम गुरु जी का एक चरित्र लिखा और उस चरित्र का नाम क्या दिया? शिक्षा समन्वित जीवन चरित्र। उसमें सारी शिक्षाओं को गागर में सागर की भांति भर दिया। इसलिए विचार दो प्रकार के हैं, सिद्धांत मूलक और भावना मूलक। अब गुरु जी ने अपने गुरु जी का चरित्र कैसे प्रकाशित किया? सिद्धांत मूलक तरीके से, एकदम एक एक सिद्धांत की कसौटी पर अपने गुरु जी को खरा उतार दिया। यद्यपि वो मुक्त पुरुष हैं, किंतु गुरु जी ने कितना सुंदर, यदि आप लोगों ने उसका अध्ययन किया या उसको श्रवण किया तो देखेंगे अपने गुरु जी की एक एक महिमा को, एक एक छोटे से छोटे चरित्र को उन्होंने स्पर्श किया है बड़े सुंदर रूप में। तो हमारे गुरुपाद पद्म शरणागत हैं, तो परम गुरु जी ने शिला प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया? उनको आत्मसात कर लिया। हम लोग भी अब बहुत सारे भक्तों के मुख से, अभी प्रभु जी बता रहे थे गुरु जी की बड़ी शिक्षा मूलक बहुत सारे विचारों को हमने श्रवण किया। शास्त्र भगवान की वाणी स्वरूप है ना, शास्त्र भगवान की वाणी है, किंतु शास्त्र उपदेश देते हैं आचरण नहीं करते, ऐसा ही है ना। शास्त्र उपदेश देते हैं आचरण नहीं करते, आचरण करने के लिए उनको मूर्तिमान होना पड़ेगा। जैसे वैकुंठ जगत में जितने भी उपनिषद हैं, जितने पुराण हैं, सब कुछ है, ये क्या है? मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि शास्त्रों को, उपदेश को आचरण में लाना पड़े तो उनको मूर्तिमान होना पड़ेगा। अब हम बद्ध जीवों के लिए जितने सद शास्त्र हैं वो केवल शब्द के रूप में प्रकट है ना, ग्रंथों के रूप में प्रकट है। अब उसको पढ़ के कैसे समझ लें? पढ़ के सब समझ आ जाएगा? पढ़ के तो समझ आएगा नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं आते हैं जगत में और शास्त्रों में जो उपदेश लिखे हैं उनको आचरण करके दिखलाते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, वो भी क्या करते हैं? शास्त्रों के जो उपदेश शास्त्रों में लिखे हुए हैं उनको अपने चरित्र में आचरण करके दिखलाते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, आपनी आचरी धर्म जीवे रे सिखाए, आपनी ना कहले धर्म सिखानो न जाए। स्वयं आचरण करके इस धर्म की शिक्षा दी जाती है, बिना आचरण किए धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह महाप्रभु ने एक उक्ति बतलाई, महाप्रभु ने एक उपदेश दिया कि स्वयं आचरण करके धर्म की शिक्षा दी जाती है, बिना आचरण किए धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यही सदगुरु की पहचान है। हमारे शिला बावन गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं सदगुरु का जीवन प्रच्छद पट के समान होता है। प्रच्छद पट समझते हैं, ब्लैक बोर्ड। जैसे शिक्षक जो होता है ना टीचर, साधारण जगत के लौकिक टीचर, वो क्या करते हैं? पुस्तक में जो विषय लिखा हुआ है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाते हैं। ऐसे तो विषय पुस्तक में लिखा है उसको पढ़कर समझ लो, किंतु समझ पाएंगे सब कुछ? अगर समझ जाते तो इतने स्कूल कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो टीचर क्या करेगा? पुस्तक में लिखे विषय को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाएगा, वो छात्रों के लिए सहज सरल बन जाएगा।
ऐसे ही सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु, गुरु नहीं, गुरु तो बहुत प्रकार के, सदगुरु क्या करते हैं, शास्त्रों में कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय, भक्ति मार्गीय जितने प्रकार के उपदेश हैं उसमें से उस शास्त्रों के सार का मंथन करते हैं और उसमें से शुद्ध भक्ति मूलक जो उपदेश हैं उनको अपने जीवन में आचरण करके दिखाते हैं, विधि मूलक और निषेध मूलक। विधि मतलब शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए हमको जो करना चाहिए और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए जो हमको नहीं करना चाहिए, जो छोड़ना चाहिए, विधि मूलक और निषेध मूलक, ये सारे उपदेशों को अपने जीवन में आचरण करके दिखलाते हैं। इसको ही हमारे प्रभुपाद जी ने आचार्य नाम दिया, आचार्य मतलब जो आचरण करके दिखलाए। यदि आप इन महापुरुष के जीवन में देखें जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहां सम्मिलित हैं, ऐसा प्रतीत होगा कि शास्त्रों का एक एक शुद्ध भक्तिमय जो उपदेश है, एक एक उपदेश वो मूर्तिमान होकर आचरण कर रहा है। और गुरु महाराज जी के जीवन में तो विशेष वैशिष्ट्य दिखलाई देगा, महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है ना, ब्रज भक्ति, ब्रज के प्रति अनुराग, ये ब्रज प्रेम, ऐसा लगेगा जैसे ये मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। अब ये अतिशोक्ति नहीं है, अगले एक घंटे में, दो घंटे में हम लोग जो सुनेंगे, जो हम लोगों ने गुरु वैष्णव के मुखों से सुना है, उससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये अतिशोक्ति नहीं है, ये तो एकदम स्वतः सिद्ध बात है। इन महापुरुष के जीवन में यदि देखो शास्त्रों का शुद्ध भक्ति में एक एक उपदेश, ऐसा लगेगा मूर्तिमान होकर आचरण कर रहा है। क्रमानुसार हम कुछ विचारों को श्रवण करेंगे। हमारे भक्ति राज्य का हमने परसों नोएडा में भी बहुत सारे विचार श्रवण किए, आप लोगों में से प्राय कोई भी वहां पर नहीं था, इसलिए कुछ चीजों को फिर से श्रवण करने, समय बचेगा तो और बहुत सारे विचार हैं, जब तक बैठे रहेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे। शास्त्र कहते हैं हमारे भक्ति राज्य का सबसे पहला जो सोपान है, सबसे पहली सीढ़ी, वो क्या है, श्रद्धा। किंतु श्रद्धा के बहुत सारे स्तर हैं, श्रद्धा लौकिक की भी है, पारलौकिक की भी है, नैष्ठिक की भी है, श्रद्धा बहुत प्रकार की है, किंतु सर्वोच्च स्तर क्या है श्रद्धा का, श्रद्धा की जो सर्वोच्च स्तर है, सर्वोच्च सीमा वो क्या है। कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये सुदृढ़ विश्वास हो जाना कि कृष्ण भक्ति करने से मेरा सब कुछ करना हो गया, ये श्रद्धा की सर्वोच्च सीमा है। गुरुपाद पद्म के जीवन में देखो, यद्यपि वो नित्य सिद्ध गौरजन राधाजन है, किंतु अभी बतलाया ना, भगवान उनको भेजते हैं शास्त्रों के उपदेशों को आचरण करके दिखलाने के लिए। गुरु जी के जीवन में देखो इस पारमार्थिक सुदृढ़ श्रद्धा का कितना सुंदर परिचय मिलता है। सुनी ना आप लोगों ने कथा, अवश्य सुनी होगी, गुरु जी ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जल्दी पुलिस में नौकरी लग गई, बड़े धर्म प्राण थे। गुरु जी स्वयं बताते थे कि हम लोग क्या करते थे बचपन में, आम के पेड़ के नीचे बैठते थे और सारी रात रामायण की चौपाई पाठ करते करते वहीं सो जाते थे, ऐसा उनका धर्म प्राण जीवन रहा। जब गुरुजी पुलिस में नौकरी करते थे तो उनकी पोस्टिंग एक समय बिहार के साहिबगंज जिले में हुई, वहीं पर हमारे परम गुरुजी के गुरु भाई श्री प्रभुपाद जी के आश्रित थे पूज्यपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, उनका उस समय संन्यास नहीं हुआ, नाम था श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, भागवत के बहुत बड़े वक्ता थे। वो उस समय वहां पर प्रचार करने के लिए आए, गुरुजी के निकट में जब भागवत का प्रचार करने के लिए आए, स्वाभाविक रूप से धर्म प्राण थे, गुरुजी भागवत कथा सुनने गए, बड़ी अच्छी लगी, विचार महाप्रभु के बड़े अच्छे लगे, प्रतिदिन सुनने जाने लगे। अब रात रात बैठकर उसी नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी से प्रश्न उत्तर करते, जब तक कथा चली गुरुजी वहां पर रहे, और जब वो लोग चले गए तो गुरुजी को एड्रेस बताकर चले गए हमारे देवानंद घोड़िया मठ का, और गुरुजी ने वहां पर क्या किया, फिर पत्र भेजना आरंभ किया। तो श्री बावन गोस्वामी महाराज जी परम गुरुजी की ओर से उनके पत्रों का उत्तर देते। ये क्रम कुछ दिन चला, गुरुजी ने निश्चय किया, गुरुजी घर बार छोड़कर आ गए, किसी को अपने आने की सूचना नहीं दी, ट्रेन में बैठे नवदीप पहुंच गए, किंतु परम गुरुजी को पता था इस तिथि के दिन ये चले आएंगे। तो परम गुरुजी ने क्या किया, श्री बावन गोस्वामी महाराज जी को भेज दिया, हाथ में लालटेन लेकर जाओ, अभी स्टेशन पर श्रीमद नारायण तिवारी नाम के एक व्यक्ति आएंगे, उनको लेकर मठ में आ जाओ। इस घटना से स्पष्ट पता चल जाता है कि गुरुजी किसके द्वारा प्रेरित है, महाप्रभु के द्वारा प्रेरित है। श्री बावन गोस्वामी महाराज जी आए, गुरुजी को लेकर मठ में चले आए। अब गुरुजी के घर वालों ने खूब ढूंढने की चेष्टा की, किंतु गुरुजी मिले नहीं, दो तीन वर्ष ऐसे ही चले गए। उसके बाद गुरुजी परम गुरुजी के साथ बिहार के किसी स्थान पर प्रचार करने के लिए आए, गुरुजी के पूर्व आश्रम उनके गांव के एक व्यक्ति थे, वो रेलवे में नौकरी करते थे, उन्होंने देख लिया, गुरुजी को झट से पहचान लिया और तुरंत तार से सूचना दे दी उनके घर में। अब जैसे ही घर वालों को पता चला, माता पिता भाई बंधु सब दौड़ कर आ गए और खूब रोना पीटना शुरू कर दिया। परम गुरुजी से बड़ी प्रार्थना कि इनको हमारे साथ वापस भेज दो, नहीं तो हम यही प्राण दे देंगे।
परम गुरुजी ने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को ज्वर हो रखा था उस समय बुखार, और गुरुजी को आदेश दिया जाओ कुछ दिनों के लिए घर चले जाओ। गुरुजी ने उनकी आज्ञा से कुछ दिनों के लिए घर आ गया। अब हमने गुरुजी के भाई से पूछा तो बताते थे गुरुजी 27-28 दिन तक घर में रहे, और ऐसा व्यवहार हो गया घर वालों को लगने लगा ये नहीं जाएंगे, किंतु घर में नहीं रहते थे हम। गुरुजी के पूर्वाश्रम गए जहां उनका आविर्भाव हुआ, जहां उनका जन्म हुआ, उसके सामने उनका एक घर था जहां पर गुरुजी पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, उस घर में रहते थे, घर में प्रवेश नहीं करते थे। अब सारी क्रिया पहले की जैसी करने लगे, अपने भाई बहनों को पढ़ाने लगे, पिताजी के साथ खेतों में नौकरी करने लगे, घर वालों को लगा अब ये वापस नहीं जाएंगे। जब 27-28 दिन हो गए तो गुरुजी ने क्या किया, एक दिन उनके पिताजी ने देखा बड़ी देर हो गई अभी तक सोकर नहीं उठे, तो उनके पिताजी गए ढूंढने, जाकर जगा कर आऊं तो देखा बिस्तर सब लगा है, तकिए घुसा दिए चादर के नीचे, चादर को ढक दिया और पास में एक पत्र पड़ा है। उनके गुरु पिताजी ने पत्र उठाकर देखा, उसमें लिखा था, पिताजी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने हरि भजन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, गुरु सेवा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब कोई जीवित रहे या कोई मर जाए मैं अब हरि भजन और गुरु सेवा नहीं छोड़ सकता, आशा करता हूं आप मेरे सदकृत्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं देंगे। उनके पिताजी ने पत्र पढ़ा और निर्णय कर लिया कि यदि उनकी हरि भजन करने की इच्छा है तो अब हम लोग बाधा नहीं देंगे। कैसे धर्म प्राण माता पिता थे और कैसी सुदृढ़ निष्ठा गुरु जी के जीवन में दिखलाई देती है। हमारे कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभुर भक्त जतो वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट होन गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य ही प्रधान है, जिसको देख करके महाप्रभु बड़े संतुष्ट होते हैं। गुरु जी कहते थे, जब मैं घर छोड़कर आया गांव का कुत्ता भी रोता था, इतनी अनुकूल परिस्थिति थी, माता पिता भाई बंधु सब भरा पूरा परिवार, इतना सम्मान सब कुछ था, किंतु फिर भी घर छोड़कर आ गए। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया ना, तो अद्वैताचार्य प्रभु ने इस समय उनसे प्रश्न किया कि प्रभु आपके घर में लक्ष्मी जैसी पत्नी थी, यशोदा जैसी माई थी, भजन करने की सब प्रकार से अनुकूल परिस्थिति थी, आपने भजन कर फिर आपने संन्यास क्यों नहीं लिया। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के चरणों में एकांतिक अनुराग के लिए मैंने गृह त्याग कर दिया। गुरु जी के जीवन से स्पष्ट पता चलता है कैसे नित्य सिद्ध गौरजन है। एक एक उपदेश यदि आप देखें, कैसी सुदृढ़ निष्ठा है, और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होने पर भी कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में एकांतिक अनुराग के लिए महाप्रभु के आदर्श का अनुसरण करते हुए सब कुछ छोड़कर चले आए। ऐसी निष्ठा किसी बद्ध जीव में किसी प्रकार से संभव है? हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जो तो मायार वैभव तुम्हार भजन बाधा, मोह जन्मी अनित्य संसारे जीव के कराए गाधा। ये जड़ विद्या और माया के जितने वैभव है भजन में बाधा स्वरूप है। इस आदर्श को दिखलाते हुए इन महापुरुष ने क्या किया, सब प्रकार से अनुकूल परिस्थिति होकर भी गृह परित्याग कर दिया।